डांस कंपटीशन है हमारे यहाँ, जिसमें हमारा जो NTV का शो है डांस का फीवर, डांस का तेवर हाई फीवर, वो आ रहे हैं, और तो उनके सामने हम सब मॉडर्न कॉलोनी वाले डांस कंपटीशन चल रहा है, तो मैं और विभूति जी डांस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे कट कट करके किसी तरह मैनेज कर लिया, बट इट वॉज़ फन क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। बट सुना है कि अंगूरी जी का बर्थडे भी है। हाँ, अंगूरी बर्थडे वो भी चल रहा है अभी वीक, जो हमारी न्यू स्टोरी है, तो उसी में ही ये सारा कुछ चल रहा है, तो इट्स फन। और डांस करने में तो मुझे हमेशा ही मज़ा आता है, आई एम ऑलवेज ऑन। बहुत, आई जस्ट लव डांसिंग, इट्स माई पैशन। तो कभी ऐसा हो ना कि शुभांगी और कुछ अच्छे जलवा रंग दिखाएंगी? ज़रूर ज़रूर, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छा सा डांस शो भी करूँ फ्यूचर में, तो बिकॉज डांस मैंने बचपन से वो सीखा है, नेशनल विनर इन कथक, तो मैं डांस तो मैं मतलब बचपन से मुझे पकड़ पकड़ के बिठाया जाता था कि बेटा थोड़ी देर कुछ खा पी ले, इतना डांस करती थी। तो देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फैंस को यही कहूँगी कि भाभी जी में आपको सब देखने मिलता है, रोमांस भी है, इमोशंस भी है, तो डांसिंग भी है, एक्शन तो हो ही जाता है, तो आप भाभी जी घर पे देखते रहिए और हंसते रहिए। लव यू ऑल। सी, एक डांस था, स्पेशल था, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं जो अंगूरी के रेगुलर से करते हैं। तो पहना तो लहंगा चोली ही है, लेकिन उसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में पहना है। ओके, थैंक यू। एक मिनट में कोई फोटो लेना। बहुत मजा आ रहा है, पहली बार आए हैं भाभी जी के घर पे और काफी देखा है इस शो को टीवी पे, फैमिली मेंबर्स देखते हैं, तो मैं पहली बार आ रही हूँ। इट वॉज अ रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। थोड़ा नाचा गया, गाया गया, केक खाया गया। मुझे तो ये ऑफ लेटली मैंने शोज थोड़ा देखना भी शुरू किया, मुझे ऐसा लगा मैं घर आ गया हूँ, बिकॉज आई न्यू एवरी कैरेक्टर एंड सबकी लोक जो किसका टाका कहाँ भिड़ा है, क्रिस क्रॉस एंड देयर इज हॉरेंडस क्रिस क्रॉस इन दिस शो, एंड मैंने आज सबको देखा एंड आई रियली इन्जॉयड विद दैम, बिकॉज एक कहते ना कि इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ अ फैन मोमेंट फॉर मी, तो वर्क विद बिग स्टार्स एंड एवरीथिंग, बट ये स्टार्स जो है आर आई थिंक सो होम स्टार्स, तो लगा घर वालों के साथ ही थे। देखिए, मैंने दो भाभी जियों से नाचा है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान पागल है, और दोनों भाभियों के साथ मैं नाचा हूँ। अब विभूति जी देखें और वो तिवारी जी देखें, वो कितने जल चुके हैं। खाली मैं लड़कियों को कह चुका हूँ कि मुंडे आते बच के रही, इन मुंडों से बच के रहो। हाँ जी, आई थिंक काफ़ी कम्पिटिटिव है, उनकी जोड़ी में केमिस्ट्री बहुत ही ज़ोरदार है, उन दोनों की जोड़ी में मूव्स मज़ेदार हो सकते थे, बट आई थिंक इस पूरी शो की जो हम कहते हैं हमारा तकिया कलाम है, हमारे शो का इस पूरी शो का जो लेवल है वो डेफिनेटली सात समुंदर पार है। हाँ, आई थिंक ये मेरी एक दिल की अंदर छुपी हुई ख्वाहिश है कि महेश एक दिन मेरे लिए कुछ खाना बनाए या बर्तन मांजे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हाँ जी, या क्यों नहीं, नहीं नहीं फिर शो बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे हमने कहा कि जिसके अंदर टैलेंट है वो हमारे शो पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं, और इनमें जो टैलेंट है ना वो इतना गंदा है, भरपूर भरपूर, तो गंदगी से भरा हुआ टैलेंट डांस देखा हमने, बट एंटरटेनमेंट वैल्यू इनका इतना है कि हमारे शो में वो डांसर्स इतना एंटरटेनमेंट नहीं ला सकते, सो दे गॉट देयर ओन वैल्यूज, वी गॉट आवर ओन वैल्यूज, एंड आज जो लोग नाच लिए हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी, एंड आई लव देम एंड रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, एंड लारा और मैंने बहुत एंजॉय किया, एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज अंगूरी के बर्थडे पर बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है, क्या है वो सरप्राइज? हाय डियर ब्रायन, लारा जी आ गई, लारा दत्ता सही पकड़े हैं, वो आ गए और अहमद खान जी आ गए और हमको नचाए भी अपने साथ, तो कितना मजा है हम आपको बता नहीं सकते कि हमारा बर्थडे इतना अच्छा मना दिए लड्डू के भैया। दोनों भाभियों ने भी नाचा है, क्या क्या कुछ कह रहे हैं? मतलब वो तो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है मेरे लिए, और
अहमद सर के साथ करना, डांस करना और वो हमको सिखाएं, कोरियोग्राफ करें, बहुत बड़ी बात है। थोड़े से ही पल के लिए, लेकिन हमने किया एंड होपफुली मैं फ्यूचर में उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहूँगी, तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब हमारे यहाँ ऐसे एपिसोड्स होते हैं सेलिब्रिटी स्पेशल, या वो जैसे हाई फीवर को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए थे, काफ़ी सारे पहले भी गेस्ट आ चुके हैं, तो एक अलग सा माहौल होता है, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, और कुछ नाच गाना भी होता है, कुछ रूटीन्स डिफरेंट होता है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।